हेलो एवरीवन, दिस इज इक्वल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पूजा का माहौल चल रहा है, हमने प्रीवियसली हायलाकांदी और सिलचर का वीडियोस पूजा का अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अभी हम लोग जा रहे हैं हायलाकांदी में, और हायलाकांदी के फूड के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप पूजा में घूमने के लिए हायलाकांदी आ रहे हैं तो आप इन इन जगह पे जा सकते हैं हायलाकांदी का स्पेशल फूड टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग आपको वहाँ पे लेके जा रहे हैं और इन जगह के बारे में दिखाएंगे। आप मिस मत करिए, वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा हायलाकांदी में क्या क्या खाने को मिलता है। स्ट्रीट फूड, लोकल जो स्ट्रीट फूड है, लोकल स्ट्रीट फूड के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, यहाँ पे काफ़ी कुछ यूनिक सा मिलता है। उन सारे चीज़ों के बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और वहाँ पे जाएंगे, टेस्ट करेंगे और आप लोगों के साथ उन लोगों से मिलवाएंगे जो लोग इस चीज़ों को बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सुना है जो कि यहाँ पे फेमस है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं है। तो अभी हम लोग चाहेंगे कि उस जगह पे जाएं और वहाँ का खाना टेस्ट करें और आप लोगों के साथ वहाँ का रिव्यू शेयर करें। तो चलिए उन जगह पे जाते हैं। अभी हम लोग जिस जगह से जा रहे हैं, हायलाकांदी का मेन रोड है, मेन रोड से होते हुए हम लोग उस जगह पे जाएंगे। तो जाते कैसे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और वो जगह जो है, जो लोकेशन है, वो कहाँ पे है, वहाँ पे आपको कैसे जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं उस जगह के बारे में, तो भी आपको पता चल जाएगा। ये हायलाकांदी का रोड है, सत्संग रोड बोलते हैं इसको। अगर आप सिलचर से आ रहे हैं, करीमगंज से आ रहे हैं, तो इस रूट से ही आपको आना होगा। अभी हायलाकांदी टाउन एंटर कर रहे हैं। ये रहा एसएस कॉलेज हायलाकांदी, जो हायलाकांदी का बहुत बड़ा एक ए ग्रेड कॉलेज है। वहाँ पे सत्संग आश्रम क्रॉस करने के बाद ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग टाउन एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे एक बस स्टॉप है। इस रोड में आपको एक और जगह मिल जाएगा, ये है, ये रहा राइट साइड में रामकृष्ण मिशन, जो कि काफ़ी बड़ा है। सामने आने के बाद आपको एक चार मुंह वाला रोड मिल जाएगा, आपको स्क्वायर वाला चौमाथा जिसको बोलते हैं, और यहाँ से हमको सामने जाना है। अभी हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं, ये एक्चुअली एक खाने का जगह है। यूजुअली हम लोग वहाँ पे लंच करते हैं या फिर जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ का जो उस दुकान का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। वो बहुत पुराने टाइम से उन लोगों ने शुरू किया है, और जिस लेवल पे अभी वो लोग सेल कर रहे हैं या फिर जिस लेवल पे वहाँ पे वैरायटीज़ है, जो रेट है, जो जिस तरीके का उनका खाना है, उसके बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सामने ही जाके राइट टर्न लेंगे तो हमको वो जगह मिल जाएगा, कांग्रेस भवन के ऑपोजिट में है। ये साइड में रहा कांग्रेस भवन और ऑपोजिट में रहा दुकान का नाम रहा उषा फूड कॉर्नर। तो अभी हम लोग वहाँ पहुँच गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस रेस्टोरेंट के बारे में, अभी हम लोगों ने एग पुलाव ऑर्डर किया है, और ये यहाँ का बहुत ही फेमस एक डिश है। कॉस्टिंग बहुत कम है, कॉस्टिंग के बारे में रेट चार्ट आपको दिखा देंगे, और यहाँ का जो ओनर है उनसे हम लोग बात करेंगे कि कितना पुराना है ये दुकान, और यहाँ पे इनकी डिशेस में कौन सा एक चीज़ है जो कि बहुत फेमस है, या फिर कौन सा वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ करते हैं। बहुत ही चीप है, हायलाकांदी में बहुत ही फेमस है ये दुकान, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके के डिशेस मिलते हैं और वैरायटी काफ़ी सारे हैं और रेट बहुत सस्ता होता है यहाँ पे। तो ओनर जो है उनसे बात करेंगे, बात करके आप लोगों को बताएंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनके दुकान को लेकर, और ये जो दुकान अभी स्टैंड आउट है वो पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो अभी हम लोग हैं दुकान के ओनर के साथ, तो उनके डिस्कस करेंगे कि उनका जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है वेंचर, एक्चुअली उन्होंने फादर ने स्टार्ट किया है, और इस वेंचर में फेमस क्या है, कैसे उन्होंने आगे बढ़े, किस तरीके से ये दुकान जो है इस लेवल पे लेके आए, तो मिलते हैं इनसे। ये दुकान है मेरा, वो पापा ने स्टार्ट किया था लगभग 1989 को, तब सामने दुकान था वहाँ। अच्छा। तब चाय और रोटी के साथ स्टार्ट किया था। अच्छा। तो और ऐसा कोई सामान है जो कि मतलब पहले से लेके अब तक आप लोगों ने रखा हुआ है या फिर कोई दूसरा नया चीज़? वो पहला वाला तो पान और चाय है। अच्छा, अभी भी है। अच्छा। और चल भी रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा। और उसके साथ और 8-10 आइटम और ऐड हुआ है। अच्छा। वो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा। और खाते रहे, सब खाते रहे, अच्छा बोल रहा है। मतलब फेमस क्या चल रहा है अभी आपके यहाँ पे? फेमस तो खाते बहुत कुछ ही है, और पुलाव बिकता ज़्यादा है, लोग बोलते हैं अच्छा है। जो खाने का स्टॉल था वहाँ से हम लोग अभी निकल गए हैं, निकल के अभी दूसरे एक और स्टॉल पे जा रहे हैं जो कि जिसका नाम है दही पुचका। तो इसके बारे में बता, तो ये कब से बनाना शुरू किया है और इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये जो दही पुचका जो है ना, हाँ, तो हमको एरिया कोई नहीं दिया था। अच्छा। खुद अपने से मैं शुरू किया था ये एरिया जो है खुद से। अरे ही फुचका, हम सोचे कि ये फुचका तो बेस्ट वे करते हैं और देखते हैं एक बार दही फुचका ट्राई करके। अच्छा। क्यों, चल जाए तो चल जाए, और नहीं चले तो इसको बंद कर देंगे। अच्छा। और यदि चले तो चलाते रहेंगे। अच्छा। तो देखने चलाने के लिए शुरू किए,
तो मन की देखे अच्छा लगा आदमी को दही पुचका के बारे में बोला सर बहुत अच्छा टेस्ट है दही पुचका बनाई। अच्छा, मैंने सुना है कि सिर्फ आप ही के यहाँ पे मिलता है और सबसे फेमस आप ही ने स्टार्ट किया था, बाद में दही पुचका जो है हैलाकंदी के अंदर माने कि ऐसे जो नया आदमी वही नहीं जानता है। अच्छा, पुराना आदमी जितना भी है पूछेगा जो दही पुचका कहाँ अच्छा मिलेगा तो जरूर बताएगा जो आपको शिवबाड़ी के अंदर में दही पुचका बहुत बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। ठीक है, और खाने के लिए जो नया भी आदमी कौन से आएगा तो ले जाएगा आदमी को गेस्ट आदमी को जो खिलाने के लिए तो भी कहेगा खाने से। अच्छा, बोलगा जो अच्छा चीज़ है। ठीक है, ठीक है, पैसा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़। कितने मतलब कितना दिन हो गया आपको ये बनाते हुए? ये दही फुचका मैक्सिमम 3 साल से चल रहा है। 3 साल से? अच्छा, उसको आगे नॉर्मली चल रहा था। अच्छा, नॉर्मल फुचका भी चलता है, ये भी चलता है? नॉर्मल भी चलता है। पुराने लोग हैं उनको पता है कि ये? पुराने लोग जितने भी हैं ये तो हमको वीडियो कॉल पर भी आदमी जानता है। अच्छा, वीडियो कॉल पर भी हमको नेट पर छोड़ा हुआ है, नेट पर भी जानता है आदमी लोग। अच्छा अच्छा, और गाना भी इसको बनाया हुआ है मेरा शिवबारी को। अच्छा, और सभी आदमी जानता है, पुराना और लड़की से लड़का जितना भी सभी आदमी जानता है। अच्छा, माने दही फुचका चाहे नॉर्मल फुचका खाने के लिए अच्छा से अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, हमने भी सोचा है कि आपके बारे में एक बार पूछ लें कि क्या मतलब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है इसका। कौन भी पूछेगा ऐसे दुर्गा पूजा में भी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगता है, भीड़ लगता है दही पुचका खाने के लिए। कौन भी इसे आदमी जानता है जो दही पुचका शिवबारी रोड में जाने से पुचका ठीक मिलेगा। अच्छा, इसी आपका ये सुन के इतना ही कहूँ और क्या कहूँ। वही ठीक है, अभी हम टेस्ट करके देख लेंगे आपका। दही पुचका खाने के बाद हम निकल गए एक और स्टॉल के लिए जो कि है मोमो। और हैलाकंदी में ये जो मोमो हम लोगों ने टेस्ट किया था इससे पहले भी और काफ़ी अच्छा लगा हमको, तो सोचा हम अपने टू डू लिस्ट में इसको ऐड करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। हैलाकंदी का सेकंड वाला पेट्रोल पंप क्रॉस करने के बाद हाथ के राइट हैंड साइड में वो मोमो का स्टॉल आता है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये मोमो का स्टॉल काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमने भी यहाँ की मोमो को टेस्ट किया, हमें बड़ा अच्छा लगा तो हमने सोचा आप लोगों को भी सजेस्ट करें। तो देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही और भी वीडियोस हम लेके आएंगे। टिल देन हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें।